अभी हम सेटिंग इसका करते हैं। पहले क्या करना होता है, इसमें मोड जो बताना होता है, ये मोड जो है सेटिंग करने के लिए होता है। जब मोड को पहली बार प्रेस करेंगे तो ये दिखाएगा मिनिमम टेम्परेचर, ये 200 दिखा रहा है। फिर एक बार प्रेस करेंगे तो ये दिखाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर, ये 360 दिखा रहा है। फिर एक बार और प्रेस करेंगे तो ये दिखाएगा सेकेंड, ये टाइमिंग दिखाता है 30 सेकेंड। तो पहली बार जो मोड को प्रेस करेंगे वो ये दिखाएगा आपका टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर, और दूसरी बार मैक्सिमम टेम्परेचर, और तीसरी बार टाइमिंग, और फिर जब चौथी बार क्लिक करेंगे ये आपका नॉर्मल मोड में आ जाएगा। मतलब टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा, जितना आप सेटिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे टेम्परेचर सेट करना है 380 मिनिमम, और मैक्सिमम भी 380। और यहाँ पे मोड पे प्रेस करेंगे मिनिमम अगर 200, फिर मैक्सिमम हो गया 360, तो हम 380 करेंगे पहले मैक्सिमम को, 380 हो गया। फिर मोड को प्रेस करेंगे, टाइम जो हो गया हमारा, अगर फैब्रिक कोई प्रिंट करते हैं तो वहाँ 30 सेकेंड ठीक है, 35 सेकेंड तक रख सकते हैं, 35 सेकेंड कर देते हैं। फिर मोड पे प्रेस कर देते हो, अब मैंने मैक्सिमम तो सेट कर लिया लेकिन मिनिमम को सेट नहीं किया। फिर एक बार प्रेस करेंगे मोड को तो ये मिनिमम आ गया, इसको हम 380 कर देंगे, होल्ड करके रखेंगे तो ये टाइम बढ़ता जाएगा। इतना पैसा में प्रिंट होगा, हाँ 380 चाहिए सब्लिमेशन इंक ट्रांसफर का। ये फारेनहाइट में, अगर सेल्सियस में रहता तो 200 में ही हो जाता, तो ये फारेनहाइट में काम करता है। 380 हो गया मिनिमम, और मैक्सिमम भी 380 हो गया। फिर अब ये टाइम हो गया 35 सेकेंड, तो आपका ये सेटिंग कंप्लीट हो गया। फिर मोड पे प्रेस करेंगे ये नॉर्मल हो गया, अब ये जाएगा 380 तक पहुंच जाएगा। जब पहुंच गया तब प्रिंट हो गया, जब 380 तक पहुंच जाएगा तब आपका मशीन रेडी हो गया काम करने के लिए। उसके बाद आप लगा के प्रोडक्ट को, अब उसके बाद आप प्रेस करना है। पहले आपको आप प्रेस नहीं करना, पहले ये हैंडल उठा के ही रखना है, ठीक है। 380 जब पहुंच जाएगा तब प्रोडक्ट लगाना है। प्रोडक्ट लगाने के बाद ये सबसे लास्ट वाला जो बटन है, ये टाइमिंग के लिए, टाइम काउंटडाउन करने के लिए, मतलब जो आपका 35 सेकंड है वो स्टार्ट करने के लिए। जब ये 380 पहुंचेगा तभी ये काम करेगा, पहले दबाएंगे प्रेस नहीं काम करेगा। जब 380 पहुंच जाएगा ये प्रेस करके फिर ये हैंडल को डाउन करना होता है, ठीक है, तब आपका टाइम स्टार्ट होता है। फिर टाइम जैसे जीरो हो जाएगा 35 से लेके फिर घटते घटे 34, 33 ऐसे आएगा, फिर जीरो पे बंद हो जाएगा। जीरो आएगा तो अलार्म देगा, फिर आपका ये हैंडल को उठा देना है, फिर आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। ये अभी प्रिंट करने जा रहे हैं, नॉर्मल A4 पेपर प्रिंट होगा ये सब्लिमेशन प्रिंटिंग। और यहाँ पे मेरी प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया, प्रिंटर सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे A4 सेलेक्ट करना है, और नीचे एप्सन मेट, और नीचे स्टैंडर्ड क्वालिटी में बस ये ही सिलेक्ट करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, मोर में जाना है, और यहाँ पे मिरर इमेज होना चाहिए, बस यही होना चाहिए बस, ठीक है। क्योंकि आपका जो मिरर प्रिंट होगा फिर वो आपका प्रिंट करने के बाद सही हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको हम प्रिंट करते हैं। ये हमारा प्रिंटिंग हो गया, अब इसको हम टी शर्ट पे प्रिंट करेंगे। हमारा मशीन भी रेडी हो गया, और यहाँ 380 से ऊपर चला गया है। ये हमारा अब रेडी हो गया, मशीन 380 के ऊपर चला गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं, टी शर्ट लगा दिया मैंने, और ये पेपर प्रिंट हो गया। अब ये देखिए रिवर्स में प्रिंट हुआ है सब्लिमेशन, अब इसको हम लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे होगा, हाँ जैसे अकॉर्डिंग आप जैसे चाहते हैं, यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या है, इसमें सिंपल सा है, मशीन घुमाना है, 380 पहुँच गया। जैसे आप प्रेस करेंगे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या कीजिएगा कि जैसे आप प्रेस करेंगे उससे जस्ट जैसे 380 रहेगा तभी ये टाइम स्टार्ट होगा, सब देखिएगा। और ये जैसे 380 पहुंच जाएगा तब वहाँ पे हम प्रेस करेंगे, ये आपका टाइमर, देखिए टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, टाइम स्टार्ट हो गया, अब यहाँ पे हम नीचे डाउन कर देते हैं। आपको रेडी करके रखना है, जैसे आपका 380 पहुँचता है तभी ये प्रेस करना है, और प्रेस करने के साथ ही आपका ये टाइमर स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने 35 सेकंड का किया हुआ था, लेकिन 35 सेकंड का तो किया हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि टाइम स्टार्ट होने के बाद 3-4 सेकंड हो गया इसमें करने के, तो 5 सेकंड हम एक्स्ट्रा ही रखेंगे इसमें। ये हो गया अलार्म, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब अपना निकाल लेते हैं इसको, स्टॉप करने के लिए यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, स्टॉप हो गया। अब यहाँ से हम उठाते हैं मशीन को, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, उठा के देखिए
पेपर को उठा दीजिए, उठाइए उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना बेहतरीन आपका प्रिंट हुआ है, एकदम बढ़िया क्वालिटी का प्रिंट हुआ है। ये आपका L130 था और ये एकदम बेहतरीन प्रिंट हुआ, जैसा था वैसा प्रिंट हो गया।